क्या बात है नेहा, आज कॉलेज नहीं गई? बस यूं ही, मुंह ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा गोल सा प्यारा सा चेहरा तो ये कह रहा है कि नेहा डार्लिंग कुछ परेशान है। वो एक्चुअली मैं ऋतु को लेके परेशान हूँ। बेचारी ऋतु के लिए अनामिका आंटी का जेल जाना इतना बड़ा इमोशनल सेटबैक है, और देखो ना, आकाश भैया ने उसे कंसोल तक नहीं किया। उन्हें तो बस यामिनी की ही चिंता रहती है, जबकि यामिनी ही इस मुसीबत की जड़ है। ना यामिनी होती और ना ही अनामिका आंटी को जेल जाना पड़ता। नेहा, तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि ऋतु तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अगर तुम चीजों को ऑनेस्टली देखो तो तुम रियलाइज करोगे कि इसमें यामिनी का कोई फॉल्ट नहीं, बल्कि वो बेचारी तो इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है। एक बात तो तुम भी समझती होगी कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से नहीं आता, और वो इंसान जिसको माँ होते हुए भी उसका प्यार नसीब नहीं होता, उससे ज्यादा बदकिस्मत तो कोई भी नहीं है, और वो है यामिनी। सिमी, तुम यामिनी को जानती नहीं हो, शायद इसीलिए उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही हो, लेकिन मैं यामिनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तो उसने ऋतु से उसका प्यार छीना, और अब ऋतु की माँ पर अपना हक जताने आ गई है। नेहा नेहा, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी से कुछ भी छीन सकता है। फाइनली वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा है। Therefore, I don't want you to worry. तुम्हारी दोस्त ऋतु की किस्मत में जो भी कुछ है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। I just hope everything goes fine. अरे भाई, कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और सुनो, जितने एजेंट से इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उनको लीगल नोटिस भेज दो। हाँ हाँ, मैं जानता हूं पुराने कस्टमर हैं, लेकिन मुझे रिश्तों में विश्वास नहीं रहा। हाँ, पापा, मुझे आपसे बात करनी है। पुत्र, अगर अनु के बारे में बात करनी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन पापा। नहीं पुत्र, जो रमन सचदेवा जिंदगी में हमेशा सर उठाकर चलता था, आज सर झुकाकर चलने में भी शर्म महसूस करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा पुत्र, कभी नहीं। ठीक है पापा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज पापा, मेरी खातिर मम्मा को वहां से छुड़ा लाइए। मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकती पापा, नहीं रह सकती मैं, प्लीज पापा। तू रो मत पुत्र, तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तू यही चाहती है ना? ठीक है, मैं वकील से बात करता हूं। हेलो, सूरज पांडे हियर। पांडे साहब, मैं रागा म्यूजिक इंडस्ट्री से रमन सचदेवा बोल रहा हूँ। हाँ सचदेवा साहब, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी। हाँ हाँ जरूर, आप ऐसा करिए, आज शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। ठीक है पांडे साहब, शाम को ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।